आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश यूपी बोर्ड से पोयम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधत्व पर। इस पोयम के रचनाकार हैं जॉन मिल्टन, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इनका जन्म 1608 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1674 में हुई थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक उनकी पर्सनल सोनेट मानी जाती है। सोनेट का मतलब ऐसी कविता जो 14 पंक्तियों की होती है, और ये उनके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित सोनेट है, जिसे कि जॉन मिल्टन ने अपने अंधे होने के उपरांत लिखी थी, जिसमें कि वे 1652 में पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। उसके बाद उनका जो रिटन वर्क था, पोएट्री वर्क तो था जो डिक्टेट करते थे ये, और उनकी जो 3 पुत्रियां थी उन्होंने जो है लेखन कार्य किया। जैसा कि यह पोयम सोनेट है और इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसके पहले भाग में जॉन मिल्टन ईश्वर से कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं अपने अंधत्व को लेकर के। लेकिन जैसा कि वे एक प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, जो आस्तिक होता है, तो अगले ही पल जो है उनका अंतर्मन उनकी उस शिकायत को कैसे दूर करता है उसे जो है उन्होंने दूसरे भाग में बताया है। तो इस तरह से इस पोयम को 2 भागों में जो है डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसकी जो पहली 8 पंक्तियां हैं वो ऑक्टेव कहलाती है, और बाद की जो पंक्तियां हैं, मतलब जो 6 पंक्तियां हैं, वो सेसेट कहलाती है। तो आइए हम वीडियो के द्वारा जानते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। व्हेन आई कंसिडर, अर्थात जब मैं विचार करता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि कैसे माई लाइट मतलब मेरी आंखों की रोशनी, इज स्पेंट माने जो है चली गई, एर माने पहले, हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी उम्र से पहले। अर्थात यहां पे जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी मेरी उम्र की आधी उम्र से पहले ही चली गई, आधी उम्र का मतलब 50 वर्ष से पहले चली गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी दुनिया में, एंड वाइड मतलब विस्तृत दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया को अंधेरी और विस्तृत माना जाता है, ठीक है, इसलिए यहां पर यह कहा गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एकमात्र गुण, टैलेंट मीन्स जैसा कि कवि के पास में पोएटिक टैलेंट था, उसी की वो चर्चा कर रहे हैं यहां पर। एंड दैट वन टैलेंट विच इज अ डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना उसकी मृत्यु करने के बराबर है। हाइड मीन्स छिपाना, डेथ माने मृत्यु करना, मतलब उसके छुपाना उसकी नैतिक मृत्यु करने के बराबर है। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, लॉज का मतलब बने रहना, विथ मी मतलब मेरे पास, यूजलेस मतलब बेकार, मेरे पास बेकार बना रहेगा। 2 यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा मोर बेंट माने अधिक इच्छा रखती है, टू सर्व माने सेवा करने की, देयर विथ मतलब उस जो है पोएटिक टैलेंट से, उस कवित्व गुण से, माई मेकर मतलब मेरे ईश्वर की। अर्थात यहां पर वे कहना चाहते हैं कि मेरी जो है आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके कारण मेरे अंदर का ये जो पोएटिक गुण है यह मेरे पास बेकार बना रहेगा, यद्यपि मेरी आत्मा पूरी इच्छा से
ईश्वर की सेवा करना चाहती है, अर्थात उस गुण के द्वारा, जो गुण मुझे ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, उसके द्वारा जो है ईश्वर की भली भांति सेवा करना चाहती है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना वर्तमान, प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, यहां पर माई ट्रू अकाउंट मतलब मेरा सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहती है, लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो कि ही मतलब ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग का मतलब लौटने पर, लौटने मतलब फाइनल रिकॉग्निंग जिसको कहते हैं, ईश्वर के दरबार में जब मरने के बाद पहुंचा जाता है उसके लिए यहां पर कहा गया है रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने डांट फटकार पड़ना, ठीक है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्निंग चाइल्ड मतलब मैं जब ईश्वर के दरबार में लौटू मृत्यु के बाद तो मुझे जो है डांट फटकार पड़े, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, जब ईश्वर गॉड एग्जैक्ट माने प्रतिदिन का, डे लेबर माने प्रतिदिन होता है, एग्जैक्ट माने परिपूर्ण जब लेखा जोखा लेंगे, तब कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट फटकार पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो गुण ईश्वर द्वारा दिया गया है उससे मैं ईश्वर की पूर्ण रूप से सेवा करूं। लाइट डिनाइड, जो कि आंखों की रोशनी चली जाने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं। आई फॉन्डली आस्क, ऐसा मैंने ईश्वर से मूर्खतापूर्ण पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने, पेशेंस मीन धैर्य ने, टू प्रिवेंट माने मुझे रोका, यहां पे पर्सोनिफिकेशन का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका और मुझे जो है मेरी मूर्खता को समझाते हुए जो है अपनी बात को रखी, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं अगले पार्ट में, सशस्त लाइन में हम उसको देखेंगे कि ईश्वर के लिए जो है बात क्या कही गई है आगे चल करके। मिल्टन की अंतरात्मा उनकी मूर्खता के लिए क्या जवाब देती है देखिए, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर का मतलब होता है धीमे शब्दों में कहना, सून माने जल्द ही, रिप्लाइज माने प्रति उत्तर दिया, मतलब उनकी मूर्खता का जो है उनके अंतर्मन ने धीमे स्वर में जो है प्रति उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, गॉड डज नॉट नीड इदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के, इधर मैन्स वर्क माने कार्यों की, गॉड डज नॉट नीड माने ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, इधर मैन्स वर्क माने किसी के भी, किसी भी इंसान के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट्स अथवा ईश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं गिफ्ट्स की मतलब उपहारों की, टैलेंट्स की, जैसा कि उन्होंने जो है कवि को कविता लिखने का टैलेंट दिया था, उसी प्रकार से ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं है अथवा उसी उन्हीं के द्वारा दिए गए उपहारों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, वो जो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, माइल्ड योग मतलब ईश्वर द्वारा दिए गए, है ना, योग का मतलब होता है सौंपा गया कार्य, माइल्ड माने सौम्य, हिज माने ईश्वर, एच कैपिटल में लिख रहा है, बियर माने सहना, ठीक है, तो हु बेस्ट हिज माइल्ड योग, इसका भावार्थ यह है कि जो प्रसन्नता पूर्वक माने जो लोग प्रसन्नता पूर्वक दुर्भाग्य का सामना करते हैं और उसे ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार करते हैं, ठीक है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करते हैं, अर्थात ईश्वर के द्वारा जो हमें सुख दुख मिलते हैं अगर हम उसको भी अपनी ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार कर लेते हैं तो वह कार्य भी हमारी जो है ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। हिज स्टेट इज अ किंगली, हिज माने ईश्वर की, स्टेट माने स्थिति, इज अ किंगली मतलब राजा की तरह है, जिस प्रकार से धरातल पे राजा की स्थिति होती है, उसके पास कई नौकर चाकर होते हैं, सेनाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एकमात्र जो है आदेश पर, बिडिंग माने आदेश, स्पीड माने तेज रफ्तार से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उनके एक ही आदेश पर उनके हजारों देवदूत पोस्ट माने तैनात हो जाते हैं, लैंड एंड ओशन मतलब थल में और महासागरों में,
विदाउट एनी रेस्ट, माने बिना किसी आराम के, अर्थात ईश्वर के एक ही आदेश पर उनके देवदूत उनके लिए विकट से विकट कार्य करने के लिए तैनात हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा के लिए बेहतर होते हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। दे आल्सो सर्व, माने वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं एंड वेट, अपनी आने का इंतजार करते हैं। इसका भाव यहां पर यह लिया जाएगा कि व्यक्ति को ईश्वर की सेवा के लिए धैर्यवान होना चाहिए और सेवा के उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और ऐसा करना भी ईश्वर की सही मायनों में सेवा करने के बराबर है। तो इस तरह से आपने इस कविता में जॉन मिल्टन के द्वारा दो भागों में जो उसको विभक्त किया गया था, जिसमें कि पहले भाग में उन्होंने ईश्वर से शिकायत की और अगले ही पार्ट में उनके अंतर्मन ने उनको समझाते हुए उनकी शिकायत को दूर किया, उसको आपने भलीभांति जाना। तो इस प्रकार से इस पोयम का भावार्थ आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जो है और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर कर देंगे अपने मित्रों को। ओके, थैंक यू।